मार्शमेलोज, मैं आपकी लवर गर्ल आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोमांस से भरपूर एक रोमांटिक साउथ कोरियन ड्रामा को, जिसका नाम है सोलमेट। दोस्तों, इस शानदार ड्रामे की स्टोरी दो ऐसी गर्ल्स के ऊपर बेस्ड है जो एक दूसरे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 13 साल पहले मिले थे, और उसके बाद इन दोनों का ये रिलेशन कैसे फ्रेंडशिप से आगे बढ़कर एक रोमांटिक स्टोरी में बदल जाती है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, हम इस स्टोरी की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए तो ये एक छोटी सी बात है मगर हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जिसके स्टार्टिंग में हमें मेहू नाम की एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी आर्ट गैलरी के अंदर अपनी पेंटिंग को बड़े गौर से देख रही होती है। दोस्तों, इस खूबसूरत पेंटिंग को किसी और ने नहीं बल्कि इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर हायुन ने बनाया था, और उसकी बनाए इस पेंटिंग को देखकर मेहू के आर्ट गैलरी के सभी लोग हायुन के दीवाने हो चुके थे, और इसी वजह से मेहू की सीनियर उससे पूछ पड़ती है कि क्या तुम्हें इस पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम पता है, अगर हाँ तो तुम उस तक ये खबर पहुँचा दो कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मगर मेहू अपनी सीनियर से कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेहू के इतना कहने के तुरंत बाद ही उसकी सीनियर उसको हायुन के लिखे कुछ ब्लॉग्स दिखाती है, और तभी हमें पता चलता है कि हायुन एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक ब्लॉगर भी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेहू अपने घर आकर उसी ब्लॉग को पढ़ रही है जिसको हायुन ने लिखा था। मेहू अभी उस ब्लॉग को पढ़ ही रही थी कि तभी ये सीन यही कट होता है, और नेक्स्ट सीन में हम 13 साल की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो किसी स्कूल में पढ़ रही थी। दोस्तों, ये प्यारी बच्ची कोई और नहीं बल्कि हायुन थी, और किस्मत से उसकी स्कूल में मेहू भी अपना एडमिशन करवाने आई हुई थी। दोस्तों, मेहू अपने बचपन में काफी इनोसेंट और शांत हुआ करती थी, उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि मेहू स्कूल से अपने घर जा रही है, मगर तभी हायुन उसके पास आकर उसको उसका बैग देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा बैग इधर है। दोस्तों, मेहू को वैसे तो किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मगर हायुन से मिलने के बाद अब वो धीरे धीरे बदलने लगी थी, और देखते ही देखते ये दोनों एक अनजान से काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, जिसके बाद हायुन मेहू से अपने घर चलने के लिए कहती है, और फिर दोनों हायुन के घर आकर काफी मजे करते हैं। मगर कुछ देर में ही मेहू की मॉम वहाँ आ जाती है जो अपनी डॉटर को अपने साथ अपने घर ले जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो मेहू को बहुत डांटती है क्योंकि वो अपनी मॉम को बिना बताए ही हायुन के घर आ गई थी। दोस्तों, यहाँ मेहू भी अपनी मॉम से नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसको सोल ले जाने से मना कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेहू एक बार फिर हायुन के घर आकर खेल रही है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मेहू और हायुन अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। इनकी दोस्ती ऐसे ही आगे बढ़ रही थी कि तभी मेहू की मोम उसे हायुन के घर छोड़कर उसे बिना बताए सोल चली जाती है, जिसके बाद हायुन और उसकी फैमिली उसका ख्याल रखने लगती है, और देखते ही देखते जो मेहू एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी वो और हायुन अब हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुके हैं। मगर यहाँ हम देखते हैं कि मेहू और हायुन एक साथ नहीं अलग हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपना एडमिशन डिफरेंट स्कूल में करवाया था, मगर उसके बावजूद भी इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले से और बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, अब तो ये दोनों कभी कभी अपने क्लासेस को गवर्नमेंट स्कूल के लड़के की तरह बंक करके एक साथ घूमने भी जाने लग गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज हायुन का बर्थडे है, और मेहू उसे जिद करके अपने साथ एक शॉप पे लेकर आई है क्योंकि मेहू को हायुन को कुछ गिफ्ट देना था। दोस्तों, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि आखिर मेहू ने हायुन के लिए क्या गिफ्ट लिया होगा? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दरअसल मेहू अभी हायुन के लिए गिफ्ट ले ही रही थी कि तभी गलती से उसके हाथ से एक गिफ्ट गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद उस गिफ्ट शॉप का ओनर उसको डांटने लगता है,
मगर तभी ये दोनों फ्रेंड्स उसे कहती है कि तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है हम तुम्हें उसके लिए पे कर देंगे। मगर दोस्तों उस शॉप का ओनर काफी ज्यादा बदतमीज था और वो मेहू और हयून से लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों फ्रेंड्स को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। दोस्तों मूवी की स्टोरी थोड़ा और आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि मेहू अब हयून के घर नहीं रहती है, क्योंकि अब उसे एक जॉब मिल चुकी है जिसकी बदौलत अब वो अपना सारा खर्चा खुद ही उठाया करती है। लेकिन वो ये चाहती थी कि हयून भी उसके साथ रहे, इसलिए वो उसके मॉम डैड से बात करके उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाती है। दोस्तों सुबह होते ही मेहू अपने साथ हयून को एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाती है और वो उसे वहाँ उसके बर्थडे का गिफ्ट देती है। दोस्तों मेहू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इयररिंग्स खरीदा था और यही बातों ही बातों में हयून मेहू से कहती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। हयून के इतना बताने के बाद मेहू अगले दिन बिना वक्त गवाए फौरन उस लड़के के पास आ जाती है और उसे धमकाने लगती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी फ्रेंड किसी के लिए सफर करे। दोस्तों क्या आपकी भी कोई ऐसी फ्रेंड है जो आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। दोस्तों मेहू के दिए उस ट्रेप की वजह से वो लड़का जो पहले हयून को उतना भाव नहीं देता था वो अब उसके साथ रिलेशन में आ चुका था और अब तो हयून उसकी पिक्चर्स भी बनाने लग गई थी। लेकिन तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम की हयून को दिखाया जाता है जो ब्लॉग बना रही थी। मगर फिर से मूवी अपने पास्ट में आ जाती है जहां हम हयून और उसके बॉयफ्रेंड को मेहू के बारे में बात करते देखते हैं। दोस्तों यहां हम देखते हैं कि मेहू भी अब सिंगल से डबल हो चुकी है, क्योंकि उसने उसी बार के एक सिंगर को अपना दिल दे दिया था। अब मानो इन दोनों बेस्ट फ्रेंड को अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल चुका था। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम हयून मेहू और हयून के बॉयफ्रेंड को एक साथ मजे करते हुए देखते हैं और इसी दौरान ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि वो तीनों एक ऐसी अनोखी केव के अंदर जाएंगे जहाँ जाने के बाद सभी की विश पूरी हो जाती है। मगर रास्ते में ही हयून बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड वहाँ उसकी देखभाल के लिए रुक जाता है। लेकिन मेहू अब अकेली ही उस केव की तरफ बढ़ने लगती है, पर उसके उस केव में जाने से पहले हयून उसे रोक कर उसकी एक फोटो क्लिक कर लेती है। दोस्तों असल में ये वही फोटो थी जिसकी पेंटिंग हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि हयून अपने बॉयफ्रेंड को मेहू के सिक्योरिटी के लिए उस केव में जाने के लिए कह रही है। अब हयून का बॉयफ्रेंड उस केव में जाकर देखता है कि मेहू कुछ विश मांग रही है। अपनी विश मांग लेने के बाद मेहू उस लड़के से पूछती है कि जिस लॉकेट को तुमने अपने गले में पहन रखा है असल में वो क्या है, जिसके जवाब में हयून का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि इस लॉकेट को उसकी ग्रैंडमा ने उसे उस वक्त पहनाया था जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की बातों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों ने जो कुछ भी किया क्या वो हयून के साथ धोखा नहीं था?